फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए सुबह सुबह मैं उठ के बाहर निकली हूँ और ये देखिए ये जो छोटे से जो हमारी गाय है ना, ये गाय के बच्चे हैं, तो ये खुल के इधर उधर घूम रही है और ये इसे पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। देखिए ना, इसे पकड़ ही नहीं पा रही हूँ, तो अभी तो कोई उठा ही नहीं है। और आज देखिए आज धूप भी निकला हुआ है और इसको इतना बुला रही हूँ फिर भी वह आ ही नहीं रही है। तब इसको पकड़ने की बहुत ही कोशिश कर रही हूँ और ये जहाँ तहाँ देखिए अभी इतना पकड़ रही हूँ पर ये आ ही नहीं रही है। तो मैं जा रही हूँ अभी अंदर जाकर रोटी लेकर आऊँगी, उसके बाद इन लोगों को खिलाऊँगी, तभी शायद पकड़ में आएगी। और ये जो गाय बड़ी वाली गाय है ना, वो जल्दी ही पकड़ी जाती है, पर ये छोटी वाली ना इधर उधर दौड़ते रहती है, तो इस वजह से। और अभी कोई उठा है नहीं। और आज देखिए आज धूप भी निकल गया है, कई दिनों से बारिश बारिश हो रहा था तो आज धूप निकला हुआ है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और उठने में आज थोड़ा लेट हो गया था। यहाँ पर देखिए किरण उठ गई है और ये भी पकड़ने में हेल्प कर रही है, पर ये इतनी बदमाश है ये छोटी वाली गाय, पकड़ में नहीं आ रही है। तो यहाँ पर देखिए तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जितना भी अभी गाय ने गोबर करा है ना, तो वो सब भी फेंकना पड़ेगा, तो वो सब भी फेंकूंगी अभी। तो यहाँ पर हाँ गोबर, तो यहाँ पर देखिए अभी मैं सबसे पहले बाहर का जो काम है वो सब निपटा लेती हूँ, क्योंकि धूप निकल आया है और बाहर सड़क के उस पर कचरा जो जितना भी गोबर वगैरह है ना वो सब फेंकना पड़ेगा, तो इसीलिए। तो यहाँ पर देखिए धूप भी निकल आया है और ये सारा जो गाय लोगों ने गोबर करा है वो सब फेंकना पड़ेगा, ये रोज़ ही फेंकना पड़ता है। कई दिनों से बारिश 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 हो रहा था, तो ये सब भीग गया है, तो ये सबको बाहर निकाल दे रही हूँ, क्योंकि ये लोग को भी ठंड लगता होगा, तो इसी वजह से। तो यहाँ पर देखिए ये ना, ये छोटी वाली गाय ना इतना बदमाश है ना, क्या बताएं आप लोगों को, एकदम अजीब से करते रहती है ये। तो यहाँ पर देखिए सुबह सुबह इतना ज़्यादा गोबर वगैरह हो जाता है ना, क्या करें, फेंकना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए अभी मैं और ये देखिए दोनों माँ बेटी कैसे खड़ी हुई है। और पूरा आंगन को भी झाड़ू लगाना है अभी, तो सबसे पहले जो गोबर जो साफ सफाई वाले काम है वो ठीक कर लेती हूँ। और यहाँ पर देखिए जो पर्दे लगाए थे ना, ये सब भी गिरा दी है गाय ने, तो ये सबको भी ठीक कर ले रही हूँ। और जितना भी अब डेली 2-3 ये जो बाल्टी है ना उससे गोबर फेंकना पड़ता है बाहर, हमारे यहाँ सड़क है ना, सड़क के उस पार। बच्चे लोग भी आ गए हैं ट्यूशन करने के लिए,
सुबह सुबह आज उठने में लेट हो गया थोड़ा हमें, क्योंकि कई दिनों से बारिश बारिश हो रहा था, आज थोड़ा धूप निकला हुआ है तो टाइम मतलब उतना ही हो रहा है जितना बजे हम लोग उठते हैं, बट आज धूप निकला हुआ है ना तो लग रहा है कि ज़्यादा टाइम हो गया है। अभी बज रहा है 7, अभी बजा नहीं है, 7 बजने वाला है। बारिश का मौसम तो 7:30 बजे भी उठते हैं तो पता नहीं चलता है, बट आज धूप निकल गया है ना तो इस वजह से लग रहा है कि ज़्यादा टाइम हो गया है। जितना भी गोबर वगैरह है, और सारी मुर्गियाँ उठ गई हैं, देखिए सब बाहर निकल के घूम रही हैं। जितना भी मुर्गा मुर्गी ये सब थे, सब बाहर आ गए हैं। और इतना कचरा करके ये लोग रखी है ना गाय, ये हमारी गाय है, सुबह सुबह उठ के तो पहले इनको फेंकना पड़ता है, उसके बाद इन्हें चारा खिलाना पड़ता है, दाना। अब सब लोग धीरे धीरे करके हमारे घर में सब लोग उठ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, एक जो बाल्टी था ना वो मैंने फेंक कर रास्ता रख के उस पर फेंक कर चली आई हूँ मैं, और अभी दूसरी बाल्टी में भर के लेकर जाऊँगी। और ये जितना भी गीला है ना ये सब बाहर सूखने के लिए रख दूँगी, और शाम को ये सब हम लोग जला देंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जितना अभी और जो गोबर है वो सब उठा ले रही हूँ। तो ये डेली इतना मतलब भिगा कर रख देती हैं ये लोग, और डेली हम लोग शाम को मतलब दिन भर रख देते हैं सूखने के लिए, और शाम को टाइम में आग जला लेते हैं। जब गर्मी का दिन हो जाता है ना तो गर्मी के दिन में ये सारा फेंक ही देते हैं, क्योंकि गर्मी के दिन में तो आग नहीं जलाते हैं ना, तो इस वजह से। तो अभी ठंडी के सर्दियों के दिन है ना, थोड़ा ठंडा लगता है तो इसीलिए इसे सूखने के लिए रख देते हैं और उसके बाद जला देते हैं। अगर गर्मी में ज़्यादा ही मतलब गीला हो जाता है ना तो उसे भी सुखा कर फिर दोबारा से यहाँ पर रख देते हैं, क्योंकि ज़्यादा मतलब इसे बर्बादी हो जाता है ना, इसलिए रोज़ इनके लिए अलग नया नया बिछाना पड़ता है, और रोज़ ये लोग गंदा कर देती हैं। तो यहाँ पर देखिए जितनी गोबर वाला है वो मैं अलग रख ले रही हूँ, और जितनी ये सब है जितना भी गोबर है वो सब मैं उठा कर बाहर फेंक कर आऊँगी। तो यहाँ पर देखिए दुकान भी हमारा खुल रहा है, अभी दुकान भी अभी घर में है नहीं कोई, बस हम 3-4 ही लोग हैं, तो इस वजह से। तो देखिए यहाँ पर ये सब मैं बाद में हटाऊँगी, क्योंकि ये सबको अभी रुकने के लिए डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर जितना भी कचरा वगैरह है ना ये सब भी उठा ले रही हूँ, फेंक के आऊँगी बाहर, क्योंकि सड़क के उस पार जाते हैं ना फेंकने के लिए तो ज़्यादा मतलब टाइम हो जाता है ना, तो गाड़ी वगैरह चलने लगता है तो थोड़ा मतलब अजीब सा अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए सुबह ही उठ के पहले ये सब काम ख़त्म करके उसके बाद अंदर का जो काम है वो तो घर में अंदर तो करेंगे ही काम, तो ये जो होता है ना ये बाहर फेंकने वाला थोड़ा मतलब अच्छा नहीं लगता है, शर्म लगता है, क्योंकि सड़क के उस पार जाना पड़ता है, गाड़ी वाड़ी आता रहता है, तो इस वजह से सुबह ही ये फटाफट काम ख़त्म कर लेते हैं। तो आज थोड़ा लेट ही हो गया और दिन निकल आया है, फिर भी क्या करें, फेंकना तो पड़ेगा ही घर में, क्योंकि है नहीं कोई। तो यहाँ पर देखिए ये सब जितना भी कचरा है, कल भी हम लोगों ने यहाँ पर रख दिया था, तो कल बारिश हुआ था ना तो भीग गया है, तो ये सब का तो काम है नहीं, आधा जला हुआ है, ये सब मैं फेंक कर आऊँगी। देखिए यहाँ पर बिल्कुल गांव के जैसा ही लग रहा होगा, आप लोग देख रहे होंगे तो कई लोग बोलते हैं कि आपका घर पे काम हम नहीं करते हो क्या, तो देखिए हमारा काम खाना बनाने से लेकर ये गाय की गोबर वोबर सब फेंकना पड़ता है, सारा काम करना पड़ता है घर का। और गोबर फेंकने में कोई मतलब घिन वाली बात नहीं है, क्योंकि गाय के गोबर ही तो है, इसीलिए बहुत सारे लोग हैं ना कि गोबर छूने से भी मतलब घिन करते हैं, बोलते हैं नहीं गोबर है ये है वो है, हाँ क्योंकि घर पे ही हमारा घर में ही गाय है तो ये सब तो करना ही पड़ेगा ना, जब गाय का दूध पीने में कोई घिन नहीं है तो गोबर फेंकने में क्या। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे तो ये में पूरी बाल्टी भर गई है, ये सब मैं बाहर फेंक कर आ जाऊँगी। यहाँ पर देखिए गाड़ी भी चलने लगी, बड़ी बड़ी गाड़ी आ रही हैं,
सड़क के उस पर जाना पड़ता है फेंकने के लिए, और सब लोग उठ जाते हैं ना, तो थोड़ा मतलब अजीब सा लगता है। तो देखिए ये हमारा डेली का काम है, डेली रूटीन है सुबह सुबह उठ के। तो मैं बस डेली रूटीन में आज मॉर्निंग में बस यही सुबह में उठी हूँ नींद से, बाहर दरवाज़ा खोल के बाहर निकल के आई हूँ, तो देख रही हूँ कि ये छोटी वाली जो गाय है इधर उधर घूम रही है। अच्छा हुआ कि गेट खुला नहीं था, नहीं तो बाहर निकल के चली जाती तो ढूंढना तो मुश्किल ही हो जाता। एक बार बड़ी वाली गाय जो है ना हमारी भाग गई थी निकल के बाहर, तो इसलिए गेट हमेशा ही बंद करके ही रखते हैं, क्योंकि कब ये खुल जाती है खुद से पता नहीं और भागने लगती है इधर उधर। अच्छा था सब लोग सोए हुए थे, गेट बंद था, नहीं तो ये तो आज बाहर निकल कर चली जाती तो फिर इसे ढूंढता कौन। तो देखिए यहाँ पर अब ये सब भी साफ़ करना पड़ेगा, झाड़ू वाड़ू लगा कर सब साफ़ करके उसके बाद ये जितना आज तो धूप निकला हुआ है ये सब बाहर रख देंगे सूखने के लिए। फ्रेंड्स किस किस के घर में गाय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं कचरा जितना था वो फेंक कर आ गई, दो बाल्टी फेंक कर आई हूँ, और ये सब अरे ये झाड़ू ना हम लोगों ने बड़ा सा डंडा में बांध रखा है, क्योंकि झुक कर बहुत बड़ा सा आंगन है ना, तो इधर भी झाड़ना पड़ता है उधर भी झाड़ना सब तरफ झाड़ना पड़ता है ना, तो कमर ही दुखने लगेगा अगर छोटा सा झाड़ू रहेगा तो इसीलिए, क्योंकि इधर भी पत्ता वगैरह आम के गाछ है सब कुछ मतलब गाछ वगैरह मतलब पेड़ पौधे हैं ना, तो वो सब का पत्ता वो सब गिरता ही रहता है तो उसे भी झाड़ना पड़ता है। और यहाँ पर देखिए ये सब जो जला हुआ राख है ना, कल हम लोगों ने आग जलाया था, जितना जला था उतना बच गया है, तो ये सब जो राख है इधर साइड में हमारे एक साइड मतलब ये सब तो मिट्टी ही बन जाता है ना, तो एक साइड में बस रख देते हैं। ये देखिए और ये देखिए छोटी वाली गाय पूरा ध्यान से देख रही है और बाकी का।